प्रथम बैठक का उपलब्धि क्या है बिना जाते तो बताइए तो सातवीं बैठक का जो उपलब्धि है वो ये है कि जो भी मुद्दे दोनों देशों के बीच में अब तक रहे हैं नंबर एक बात दूसरी बात जो दोनों देशों के विकास के लिए दोनों देशों के सहयोग के लिए दोनों देशों को आगे बढ़ाने के लिए संबंधों को और मजबूत करने के लिए जो भी विषय हो सकते हैं उन पर हमारी बातचीत हुई है और उसका विषय में बातचीत हो गया करीब करीब जितने भी संबंधों के जो विविध आयाम है उन सबको हमने समझने की कोशिश की है उन पर अपने विचार व्यक्त किए हैं और जो हमारी रिपोर्ट आएगी अगले कुछ महीनों में आज हमने उसका खाका तैयार कर लिया है और अब रिपोर्ट को तैयार करने का कार्य हो रहा है। सार्वजनिक करने से आपका लक्ष्य हाँ बिल्कुल तौर तक बता दीजिए भारत और नेपाल के बीच में जो संबंध है वो प्रगाढ़ संबंध है। बिल्कुल सही बात है। अभी तक समय 1950 का समय प्रीव्यू करने के लिए भारत तैयार होते हैं ये तो हमारे विषय से बाहर की बात है। भारत सरकार तैयार होगी या नहीं होगी वो तो सरकार का विषय है वही इस बात पर बात कर सकते हैं। प्रबुद्ध समूह जो ये समझता है कि आज के संदर्भ में समझ को कैसे और अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है उस पर हम सुझाव दे सकते हैं उस पर हम विचार कर सकते हैं। तो विषय ये नहीं है कि संधि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमारा विषय ये है कि इस संधि को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए क्या नई चीजें जोड़ी जा सकती है जो कि समय अनुकूल हो। जैसे बहुत सारी बनाने के लिए क्या करना चाहिए उसमें जो बहुत सारी बातें नहीं कही गई है जैसे पर्यावरण की बात नहीं कही गई है सिक्योरिटी की बात नहीं कही गई है ह्यूमन सिक्योरिटी की बात नहीं है तो उन चीजों को या और दूसरे जो बहुत सारे विषय हो सकते हैं इस तरह के जो कि आज की आवश्यकताएं हैं उनको इन सभी इससे जोड़ करके हम ये सुझाव देंगे कि इसको और बहुत बनाया जाए एक कंप्रिहेंसिव सिक्योरिटी नीति बनाई जाए जिसमें कि बहुत सारे विषय आ सकें जो कि आज की आवश्यकता है दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की आवश्यकता है जिससे कि संधि की उपयोगिता और अधिक बढ़े। 1950 का संघ और जितना भी नेपाल भारत संबंध में संधि है इनको खारिज करना चाहिए कि रिन्यू करना चाहिए। हमको भी लगता है कि इनको खारिज करना चाहिए। आपका सूत्र क्या है? हमारा सूत्र ये है कि हमारा सूत्र ये है कि ये जो विषय इस संधि में है उनके साथ साथ और नए विषयों को जोड़ा जाना चाहिए जिससे कि दवा विषय क्या क्या हो सकता है। नए विषय के बारे में उन्होंने बताया जैसे पर्यावरण की सुरक्षा विषय हो सकता है मानवीय सुरक्षा एक विषय हो सकता है टूरिज्म डेवलपमेंट एक विषय हो सकता है और दूसरे ऐसे बहुत सारे विषय हो सकते हैं जो कि आज की आवश्यकताएं समाज की आवश्यकताएं देश की आवश्यकताएं और लोगों की आवश्यकताएं। नेपाल में वामपंथी गठबंधन ज्योतिष शर्मा ओली प्रधानमंत्री है तो सब बता दीजिए इस समय नेपाल भारत संबंध प्रकार होगा कि भारत नेपाल संबंध को कभी भी किसी नेतृत्व किसी राजनीतिक दल किसी के आने या जाने के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि 700 संबंध है हमारे संबंधों के जो विविध आयाम है वो एक पार्टी या एक व्यक्ति या प्रधानमंत्री या किसी सरकार के साथ उसको जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि जो व्यक्ति आज जो पार्टी नेतृत्व में आई है जो पार्टी जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर आया है तो उसके प्रति हमारा एक सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए और हमें मानना चाहिए कि उनका दृष्टिकोण भी भारत के प्रति सकारात्मक होगा और संबंध में प्रगाढ़ता आएगी क्योंकि मोदी और ओली को बीच में केमिस्ट्री मिलना चाहिए उसमें कैसे है केमिस्ट्री। ये तो देखिए मोदी और ओली दोनों के अपने उनके अपने संबंध पर उनकी अपनी सोच उनका अपना दृष्टिकोण उस पर निर्भर करता है। तो ये मेरा विषय नहीं है कि मैं ये बताऊं कि इनके कितनी नजदीकियां रहेंगी कितनी दूरियां रही। मैं ये बता रहा हूं कि अगर दोनों का सकारात्मक दृष्टिकोण रहा दोनों देशों के संबंधों के प्रति विकास के प्रति स्थायित्व के प्रति तो संबंध अपने आप ही अच्छे होंगे इसमें कोई दो राय नहीं। और जहां तक और सीमा के बारे में भी नेपाल हर संबंध के बारे में उठवार है ना इसमें बॉस वॉस इनका दीर्घकालीन समाधान क्या है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे उस पर विवाद हुआ हो चाहे संकट हुआ हो क्या हमने कभी ये कहा कि सीमा को बंद कर दिया जाना चाहिए क्या हमने कभी ये कहा कि संधि को खत्म कर देना चाहिए। अगर ये नहीं कहा तो इसका मतलब हम दोनों चीजों की आवश्यकता को समझते हैं उसको महसूस करते हैं। सवाल फिर भी यह है कि उसको और कैसे मजबूत बनाया जाए। खुली सीमा ये दोनों देशों के लिए एक ईश्वर का वरदान है
वहाँ के लोगों को के लिए वरदान है। अब सवाल ये है कि उसका सदुपयोग कैसे किया जा सकता है, उसको एक अपने लिए एक हितकारी करना चाहिए ना सीमा का, ठीक है, रेगुलेट करना ये सरकार का काम है, हमारा काम नहीं है उसके बारे में कुछ बताना। समूह का बैठ सकता है, निष्कर्ष क्या हो सकता है प्रबुद्ध समूह का निष्कर्ष जो मेरे दृष्टिकोण से होना चाहिए वो ये है कि हम सीमा को केवल एक रेखा के रूप में चिन्हित नहीं करें, बल्कि जो बॉर्डर लैंड का कंसेप्ट है, जो फ्रंटियर का कंसेप्ट है, एक डेवलप्ड फ्रंटियर का कंसेप्ट है, जिसमें कि इस पार और उस पार के लोगों को और अधिक आर्थिक सुविधाएं मिल सकें, कनेक्टिविटी की बात है, रिसोर्सेज की बात है, रिसोर्स शेयरिंग की बात है, अमीरी गरीबी या जो बीमारी है या एजुकेशनल डेवलपमेंट की बात है या मार्केट फैसिलिटीज की बात है, एग्रीकल्चर इनपुट्स की बात है, वो उन सब चीजों का अधिक से अधिक दोनों देशों के लोग, बल्कि विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्र के लोग अधिक से अधिक फायदा उठा सकें, वो मेरे ख्याल से दोनों देशों के हित में है और उसी दृष्टिकोण से चर्चा भी की जानी चाहिए। महाकाली सिंधु पंचेश्वर अग्निकालिक समस्या के समाधान के बारे में आपका पद्म समूह का बैठक में छलफल हुआ, नदी जल उपयोग के संदर्भ में बातचीत हुई है और उसमें भी हमारा दृष्टिकोण ये है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि जो दो अलग अलग बातें हैं, पानी और बिजली, पानी एक बृहद चीज है जिसमें कि पर्यावरण, जिसमें बहुत सारे उपयोग जो दूसरे हो सकते हैं, इरिगेशन है, नेविगेशन है, फिशरीज है, वो सब चीजें पानी के साथ जुड़ी हुई, पावर एक दूसरा विषय है, तो हमारी क्या आवश्यकता है हमको पहले ये तय करना पड़ेगा, हमें बिजली चाहिए या पानी का उपयोग चाहिए, भारत को तो बिजली चाहिए, ऐसा नहीं है, आप उसको मत देखिए, भारत खरीद करना चाहता है ना, वो तो केवल देखिए भारत बिजली पे सर, भारत खरीद सकता है वो केवल एक बात है, भारत भूटान से भी खरीद रहा है, भारत में पानी की कमी नहीं है, वहां पर भी बिजली पैदा हो रही है, और फिर दूसरी बात जो कि आप लोग जिसको इग्नोर कर जाते हैं, जिसको या तो उतना जो है आप लोग व्यापक दृष्टिकोण से देख नहीं पाते हैं, वो ये है कि भारत के पास अल्टरनेटिव सोर्सेज भी हैं, हमारे यहाँ न्यूक्लियर एनर्जी की बात हो रही है, हमारे यहाँ विंड एनर्जी की बात हो रही है, हमारे यहाँ सोलर एनर्जी की बात हो रही है, वो सब चीजें हम पानी या जो 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 हाइड्रो पावर है उसको अल्टरनेटिव के रूप में देखते हैं, और आज आप अगर देखें सही मायने में तो इनका प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ रहा है, हमारे यहाँ बहुत रिसर्च हो रही है सोलर एनर्जी के बाद, अब राजस्थान के जैसलमेर बाड़मेर वाले जो इलाके हैं वहां जाकर के देखिए विंड एनर्जी एक बहुत बड़ा सोर्स बन रहा है, तो केवल पानी की बात करना एनर्जी के सेक्टर में आग बेमानी है, पानी भारत के पास भी है और जो बिजली आपके यहाँ से पैदा होगी हाँ उसको हम खरीद सकते हैं, हम भारत से बिजली खरीद कर रहा है ना, मेरे पास ये आपकी प्रॉब्लम है, ये देखिए ये नेपाल की प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये नेपाल की प्रॉब्लम है, आप जरा सोचिए कि 83,000 मेगावाट कैपेसिटी होने के बावजूद भी आपको दूसरे देश से बिजली लानी पड़ रही है अपने यहाँ, तो इसके लिए अब आप कहोगे भारत जिम्मेदार है, मैं तो नहीं समझता हूँ कि इसके लिए भारत जिम्मेदार है, इसके लिए नेपाल की सरकार, नेपाल का जो डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव है, नेपाल की जो सोच है वो जिम्मेदार है, आप लोग क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं और कहते हैं भूटान की तरह कि आप हमारे यहाँ पर जाए हाइड्रो पावर जनरेशन कीजिए, हमें भी दीजिए और आप भी खरीदिए, आपके यहाँ रेवेन्यू आएगी, भूटान में जाए 40% चोखा से अकेले रेवेन्यू जनरेट हो रही है, आपके यहाँ भी हो सकती है, तो जब तक वो कमर्शियल माइंड नेपाल का नहीं बनेगा नेपाल वालों का, और सिर्फ वो ये एक संकुचित सोच रहेगा कि पानी भारत ले गया, वो तो वैसे भी जाएगा, ये तो नेचुरल क्यों है, समस्या हर इनको दीर्घकालीन समाधान करना चाहिए, दीर्घकालीन तो यही है कि एक अंडरस्टैंडिंग बने, नेपाल इस चीज को समझे कि अगर भारत के साथ सहयोग करना है तो यूनिलेटरल तो नहीं हो सकता है, आप ये कहो कि जो है बिजली भी आप पैदा कर दो और पानी भी हमें दे दो और आप बिजली हमें भी मत, तो आखिर कॉपरेशन का मतलब क्या है, कॉपरेशन का मतलब तो म्यूचुअल है ना, तो उसका जो है हमें क्या फायदा हो रहा है, हम भी सोचना पड़ेगा, वरना कोई भी भारत में सरकार आए और कल को ये कहे कि हम उत्तराखंड से पानी ले लेंगे, हम जो है हिमाचल प्रदेश से पानी ले लेंगे, तो नेपाल हमारे लिए अकेला अल्टरनेटिव तो नहीं है, वी हैव मेनी मोर अल्टरनेटिव, तो इस सोच को आपको बदलना पड़ेगा, अगर क्योंकि पानी का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और पिछले 40 साल से मैं ये सुन रहा हूँ यहाँ पर आ करके कि सारा पानी भारत में बह गया,
उसको नेपाल नहीं रोक सकता है, पहली बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि जब तक आप सोच को नहीं बदलेंगे, एक कॉमर्शियल माइंडसेट डेवलप नहीं होगा यहाँ पर इस रिसोर्स के संबंध में, तो कुछ भी नहीं होगा। प्रोजेक्ट्स लिए जाएंगे, महाकाली जैसे और प्रोजेक्ट्स आएंगे, काम नहीं होगा और पानी बहता चला जाएगा। एक कहावत है कि जो पानी आज बह गया वो हमेशा के लिए वेस्ट चला गया, तो आपका पानी वेस्ट जा रहा है। आप कितना ही कहिए, आप उसको बांध के तो रोक नहीं सकते। महाकाली का सदुपयोग तो करना चाहिए। सदुपयोग के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि आपका क्या दृष्टिकोण है। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या दृष्टिकोण होना चाहिए वाटर रिसोर्स को सिलेक्ट में नेपाल का। नेपाल में तो सहमति है, देखिए सरकार की बात, सहमति तो फिर सहमति से बिजली पैदा हो जाएगी, तो सहमति से बिजली भी पैदा कर लीजिए। भारत भारत लगा वही तो वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं भी यही बात कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं कि केवल सहमति है आपकी, और वो सहमति कहाँ डिप्लेक्ट हुई है? क्या महाकाली में वो सहमति हुई है, क्या कंडाली में वो सहमति हुई है, या जो दूसरे प्रोजेक्ट आज तक रह गए क्या उनमें आपकी सहमति कहीं दिखाई देती है? अगर ये सहमति है तो पंचेश्वर इतना, मैंने तो ये पढ़ा हुआ है, मैंने लिखा भी है अपनी किताब में 1976 में ये बात शुरू हुई, आज तक क्यों नहीं कर पाए हम वो सहमति कहीं गई? क्या कभी आपने जरूरी थोड़ी है कि हम ही आपको कन्विंस करें, आप भी दिल्ली जाकर के भारत सरकार को कन्विंस कर सकते हैं अपनी आवश्यकताओं के बारे में? तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसपरसेप्शन और एक लैक ऑफ प्रॉपर अप्रोच को कैसे दूर करना चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग को आपको दूर करना चाहिए। आप भारत से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ही मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करें? क्योंकि मैं भी ये बात कह रहा हूँ कि ये आवश्यकताएं आपकी ज्यादा है। देखिए फिर मैं ये बात कह रहा हूँ कि हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, इंडिया बड़ा देश है, उसकी आवश्यकताएं बहुत सारी हैं, परंतु उसके बावजूद भी हमारे पास उतने ही अल्टरनेटिव्स भी हैं। जिस दिन आपके पास ये अल्टरनेटिव्स आ जाएंगे उस दिन आप हमसे नहीं कहेंगे कि साहब पानी का सदुपयोग कर, पानी को जो है बिजली बनानी है, आप हाइड्रो पावर की बात उस दिन नहीं कहेंगे जिस दिन नेपाल के पास न्यूक्लियर एनर्जी आ जाएगी या और दूसरी तरह की एनर्जी। लेकिन जब तक वो नहीं है तब तक इस चीज को आप, देखिए मेन बात ये है कि रिसोर्सेज होना एक बात है, रिसोर्सेज को एक वेल्थ के रूप में वो सही है, लेकिन उसको एक प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट करना, पानी को सदुपयोग होने के लिए भारत का महत्वपूर्ण और अहम भूमिका हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम नदियों को शेयर करते हैं पानी को, तो भारत का उसमें सहयोग होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत ने सहयोग दिया भी है, किसी प्रोजेक्ट से भारत आज अलग तो हुआ नहीं है, परंतु सवाल यही है कि उसमें जो ये नेग्लिजेंसी जहां पर भी हुई है, मुझे मैं नहीं जानता उस बात को, तो उसमें दोनों ही देश जिम्मेदार हैं। अकेले भारत को ये कहना कि हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहा है या भारत ये नहीं कर रहा है, भारत वो नहीं कर रहा है, हमारे दूसरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे टेरी डैम जैसे प्रोजेक्ट्स हमारे सामने हैं, उनको हमने बनाया है, तो हमारी समस्याएं, हमारी आवश्यकताएं बहुत व्यापक है। उसको नेपाल में बड़े हाइड्रो पावर तो भारत ने नहीं बना है, सतत है पंचेश्वर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो नहीं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? पहले हम इस बात पर सोचें जरा, क्या अकेला भारत जिम्मेदार है, क्या नेपाल ने कभी जिम्मेदारी वहन की इस बात की? क्योंकि कर्णाली पर आपके यहाँ की जो रिपोर्ट है कर्णाली की, सॉरी पंचेश्वर की, वो आज तो पड़ी हुई है, पिछले साल मई में उस रिपोर्ट को नेपाल सरकार के सामने रखा गया था, लेकिन आज तक वो क्लियर नहीं हुआ। तो अगर वैसे अगर हम चलते रहेंगे तो स्वाभाविक है प्रोजेक्ट साइन होंगे, हम लोग कहेंगे कि हमने ये कर दिया है, लेकिन वास्तविकता उससे बहुत बहुत दूर होगी। ये तो हमारा संबंध है, बिल्कुल सोचो, देखिए अभी भी दरार का है, इनको दीर्घकालीन क्षमता प्रभुत्व संभव, देखिए भारत सकते हो कि नहीं, जो दरार है मैं तो उसको दरार नहीं कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा कि एक कहीं कोई जो है एक गैप आ गया है, पारस्परिक समझ में कहीं अंतर आ गया है, वो आपकी समझ भी हो सकती है, वो हमारी समझ भी हो सकती है, तो उसको तो दूर किया जा सकता है बशर्ते कि आपका टारगेट हो। और मुझे नहीं लगता है कि किसी, आप लोग तो नेपाल की सारे राजनीतिक दल, सारे नेता और मीडिया उनको केवल देखने का काम करता है, बाकी आप लोग भी कुछ काम नहीं करते हैं। सही बात यह है कि आप लोगों ने कभी कोई टारगेट फिक्स किया ही नहीं, आज भी आप 1956 या 54 के जो है उसमें जो है कोसी में ये हुआ, गंडक में ये हुआ, बस वो रट लगाते रहिए, इतिहास वही है, उनको उस इतिहास को बदलना है, एग्जैक्टली तो
उस इतिहास को बदलने के लिए नेपाल को आगे आना पड़ेगा। नेपाल के मीडिया को ऋषि धमाला के साथ में लाखों नेपाली जनता आपका आवाज सुन रहा है। मैं तो फिर से वही बात कहूंगा कि ये आप लोगों को करना है, और मेरी जो सबसे बड़ी मुश्किल मेरे सामने ये है कि विश्वास भी हमें पैदा करें यहाँ आकर के, फिर आप लोग क्या करेंगे? आप बहुत बड़े मीडिया के व्यक्ति हैं, आप क्यों ये विश्वास पैदा करते हैं? और वो तो समय पर बैठक का निष्कर्ष क्या हो सकता है? प्रबुद्ध समूह का बैठक का निष्कर्ष ये हो सकता है कि आज से 50 साल के बाद भारत नेपाल संबंधों की आवश्यकता क्या रहेगी, और उन संबंधों को प्रगाढ़ उस स्थिति में कैसे बनाया जा सकता है। नेपाल भारत सम्बन्ध कुरा गर्दाखेरि भारतीय पक्षबाट प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ भने लगातार गाउँमा राम्रोसँग नेपालमा सर्वप्रथम बैठकका उपलब्धि के हो? बताइनु त साथको बैठकका जो उपलब्धि हो।